आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बात करें सारे फिगर्स शुरू करते हैं, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। तो जो भी देख रहा है वीडियो को पहले सबसे पहले अभी लाइक कर दीजिए। बात करते हैं सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल इनकम की बात करें तो 10,64,787, लास्ट क्वार्टर 11,42,000 था, लास्ट ईयर 63 लाख था, 63,03,400 हाँ। और ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ डबल हो गया है। और अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है 8,99,000 का आया, 8,09,000 का आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेंडिचर भी डबल होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग की बात करें तो भाई साहब प्रोविजनिंग घटकर आई है, लास्ट क्वार्टर प्रोविजन ज़्यादा थी, इस क्वार्टर 1,75,248 की आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 5,12,000 से 8,49,000 पे होती हुई आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है बढ़कर आया है 1,70,884, लास्ट क्वार्टर 51,000 था, लास्ट ईयर नेगेटिव था। वाई ऑन वाई काफ़ी शानदार ग्रोथ आई है, क्यू ऑन क्यू भी आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर अगर बात करें तो 75,000 था, 3 लाख का आपको आता हुआ देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। EPS की बात करें तो 14 का EPS 26 का हो गया है, और -3 का EPS 15 का हो गया वाई एन वाई, और Q1 4 का EPS 15 का हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। NPA की बात करें तो 9% का NPA है, ग्रॉस NPA, नेट NPA 2.35 का है। इस क्वार्टर ग्रॉस NPA भी बढ़ा है, नेट NPA भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल रिजल्ट ओके है, लेकिन हाँ हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बैंकों में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट है आपके पास HDFC, ICICI, SBI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये बैंक्स ज़्यादा प्रीफर करो इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल रिटर्न मिलेंगे इसमें। किसी एक दो क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, किसी एक दो क्वार्टर बहुत ख़राब रिजल्ट आ जाते हैं। तो थोड़ा अगर आप ट्रेड चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए ये बैंक्स अच्छे रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये जो प्राइवेट बड़े बैंक है या SBI है, इनमें ही अगर आप करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।